मैं जनाब सुन ही नहीं रहा, मैं आज पढ़ा ही नहीं अभी रहा। अभी टास्क दिया आपकी क्लास को, वो टास्क कर रहे हैं। सर वो थोड़ा सा इशू था, वो स्क्रीन शेयर करनी थी आपको दिखा। सर आवाज़ ही नहीं आ रही।
सर आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। सर वो एक इशू था मेरा, वो स्क्रीन शेयर करके दिखाना था आपको। जी आप थोड़ा सा लाउडली बोले, आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ वो एक थोड़ा सा इशू था, वो स्क्रीन शेयर करके आपको था, दिखाना जी बोले क्या इशू है। जी जी सर वो बोले। टू डू लिस्ट वाला वो था ना, वो उसमें वो जो डाटा नीचे शो होते हैं ना लिस्ट में, वो कुछ एक सेकंड के लिए होता है फिर गायब हो जाता है। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, बहुत ही जो है ना वो लाइट आ रही है आवाज। जी बताए। सर मैं कह रहा हूँ वो टू डू लिस्ट में वो एक मिनट डाटा एक नीचे मिनट शो नहीं होता था लिस्ट। आवाज आ रही है? सर अब आ रही है आवाज भाई? एक मिनट में आपकी बात सुनता हूँ। एक मिनट, मैं एक स्टूडेंट का इशू है इसको मैं देख रहा हूँ, बाद में आपकी तरफ आता हूँ। ओके इधर से माउथ उठा के मारना है कसम से। मैंने क्या बोला है अभी? आगे लपड़ लाओ कोई जना। मैंने आगे भी कुछ कहा, बहुत जरूरी बात ठीक है सर की क्लास लेके देख लो 12 बजे वाली। अगर आप लोगों को लगता है कि सर की समझ आप लोगों को आ रही है, अच्छे टीचर है और अभी तक फीडबैक उनका अल्हम्दुलिल्लाह 95% हो गया,
इससे भी ज्यादा कभी कंप्लेन तो आई नहीं होगी। और उसके बाद फिर आपकी टाइमिंग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे टू टू फोर कर यार सर बिलाल अवेलेबल नहीं है मॉर्निंग टाइमिंग में अवेलेबल ही नहीं है सर। रमजान शबीर है वो कह रहे हैं उनको रहने दे। कौन कौन किस किस ने सर इमरान से पढ़ना है? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह तुम लोग ऑनलाइन भी स्टूडेंट हैं? किस किस ने सर इमरान शबीर से पढ़ना है? कितने स्टूडेंट हैं? सारे जितने इमरान शबीर से पढ़ना है वो यस लिख के मैसेज कर दो, जिसने नहीं पढ़ना वो नो लिख के मैसेज कर दो ताकि मुझे। आप लोग तीन लोग भी है, दो लोग जो कह रहे हो नहीं पढ़ना, तीन है हाँ मनाओ इन्हें भी। क्या होगा क्यों नहीं पढ़ना उनसे? फिर तो ना कोई पढ़ना है होना। नो वो कह रहे नो। चौथा बंदा हो गया जो कह रहे नो। क्यों नहीं पढ़ना? कोई वजह तो होगी कि नहीं पढ़ना इनसे। यस ठीक है, अच्छी बात है। ये वही सर हैं जो अभी झेलो के तो ज्यादा जरूरी है इधर। ये चीज झेलोगे तो तुम्हारे आगे के लिए फायदा। वहां पे स्कूल में कहते थे ना अभी तुम इस तरह के टीचर को झेलोगे तो आगे फायदा। कॉलेज में भी कहते थे, यूनिवर्सिटी में भी कहते थे, बट असल फायदा यहाँ पे है। आपको खुद भी पता है कि ये प्रैक्टिकल वर्क है। वहां पे ठीक है जो भी हुआ वो गुजर गया, बट अगर यहाँ पे झेल लिया तो सारी जिंदगी का फायदा है। वैसे बड़ा फिर यहाँ क्या कर रहे हो? फिर तुम्हें कोर्स नहीं करना चाहिए था, फिर किसी बेचारे को ऐसे को करवाते जिसे जरूरत थी। फाइनल प्रोजेक्ट के बगैर सर्टिफिकेट तो नहीं मिलना। और मैंने सच से कहना है सर इमरान से फिर कोई कहना कि तुम्हारा फाइनल प्रोजेक्ट तो जरा टका के चेक करें, एट द स्पॉट बिठा के पूछे कि ये क्या है। देख रहा बेटा अब मुझे तुम्हारी शक्ल याद हो गई है। सर इमरान ही पढ़ाएंगे तुम्हें अब। या तो तुम मास्क लगाओ, जो मर्जी का शक्ल चेंज कर लो। वो जो आई है ना मिशन इम्पॉसिबल वो करवा, वो लगाता है ना, वो लगा के आ जाओ तुम, फिर भी तुम याद रहोगे। अच्छा जी कल वाली क्लास फिर सर इमरान ले रहे। आज तो सर ले रहे हैं ना क्लास। मिस टूर को कहना कि मिस सोनिया का ऑफिस का फोन दे दे। बता अब तो तुम्हें सर्टिफिकेट जरूर ही मिलेगा। बस एक ही नहीं पढ़ना, बाकी सब में पढ़ना। गुड गुड। हर बैच में ना मैं एक बड़ी मजे की चीज बता लगी, हर बैच में इस तरह का एक बच्चा होता है। हर बैच अब आगे वाली चीज समझ जाओ। हर बैच में और एक सर्टिफिकेट बच्चा होता है इस तरह, और हर बैच में इस तरह का बच्चा भी होता है जो कहता है मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, बस जिसको कोई लेना देना नहीं होता। हाँ कटिंग सेरेमनी करवाएंगे तुमसे, फिर तुम्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। केक तुम लेके आओगे, काटेंगे केक तुम्हारा, टेंशन ना लो। ये कौन इतनी जोर से है? खैरियत है? केक की बात हुई है, ऐसा क्या चुटकुला बोल दिया जैसे? मुझे और बात है, क्लास है। अभी आप चुप रहे।
अलैकुम सर, अभी कहाँ पे आओगे? अच्छा ठीक है, आ जाए क्लास में, आ जाए, मैंने करके इनसे बात, आ जाए आ जाए क्लास, क्योंकि सर नहीं दे रहे थे तो मैंने इनसे कुछ चीजें डिस्कस करनी थी। आ रहे हैं सर, आप पढ़ लेना प्लीज। कहाँ तक कोर्स जो है माइंड सेट, वो कहाँ तक चला गया था? हमने रिएक्ट फ्रंट पे किया है, बैकएंड उसमें एक और चीजें रहती हैं बैकएंड पे। लारावेल आप लोगों का जो है वो कंप्लीट है सारा, एंगुलर हो गया? क्या रिएक्ट ही है? हाँ ठीक है, ठीक है। वो कुछ इंस्ट्रक्टर ऐसे हैं जो उनको लगता है कि मार्केट में लारावेल ज्यादा मार्केट में इन है तो वो रिएक्ट करवा देते हैं। तो अच्छी चीज है जो आप जो मार्केट में ज्यादा चल रहा है उस पे लगाना, वो इधर लगा देना। हाँ ये चीज है सर, बिलाल भी यही करवाते हैं, क्योंकि मेरी बड़ी डीपली डिस्कशन हुई थी इस बारे में, तो कह रहे थे कि मार्केट में लारावेल की जगह आप ज्यादा रिएक्ट चल रहे। तो अच्छी चीज है, चाहो नहीं, टाइम जाएगा क्यों पढ़ना, जिसने पढ़ना है उसको पढ़ने दो। तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए सर बेटा, अब देखो तुम्हारा हाँ दिख रहा है मुझे, अच्छी बात है, थोड़ी शराफत होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है अभी सर, मैं सर का वेट कर, तुम्हारा इंट्रो करवाना सर के साथ। मैं साइकोलॉजी पढ़ा सकती हूँ और कुछ नहीं पढ़ा सकती, ये बस किसने कहा, ये तुमने कहा है ना? हाँ मुझे पता था उसने कहा है, बस देखो बच्चियां कितनी शरीफ फुल नर्व्स हैं, ऐसे दांत निकालने शैतान हो तुम लोग। कैसे बर्दाश्त करती हो इन लोगों को, देख लो। अच्छी शरारते करे तो वो मुनासिब है, ठीक है, बोर नहीं होने देते क्लास को, है भी डेवलपमेंट की क्लास, बस बदतमीजी वाली साइड पे नहीं आना चाहिए। लाइक बच्चों का इंट्रो करवाया जाता है, ये क्या बात है, लाइक बच्चों को इंट्रो करवाते हैं, एक आपका करवाना मैंने इंट्रो, और एक वो पीछे जो लैपटॉप के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है ना, एक उसका करा। मैंने कहा है आपने कुछ कहा, लाइक हो तुम दोनों, मैं आप लोगों के सर्टिफिकेट ऊपर लिखूंगी लाइक बच्चे स्पेशल। क्लाइंट के सामने ये बोलना, क्लाइंट को डिस्कशन भी चाहिए होती है। सर जी आ जाओ, उन जी नहीं तो फंस गए होंगे सर, ऐसे टाइम लगा रहे हैं जैसे आगे पानी खड़ा हुआ। कल मैंने सर को मना कर दिया था, मैंने कहा शायद ये कह देंगे ठीक है हमारा 2 से 4 टाइमिंग का। सर अरसलान बिजी है, मैंने बात नहीं की, बी ऑनेस्ट मैंने बात नहीं की उनसे, मैंने सर इमरान से डिस्कस किया था और सर बिलाल से डिस्कस किया, सर अरसलान से डिस्कस नहीं किया मैंने। तू पूछ ले जाकर, ठीक है वो नहीं अवेलेबल, इस वजह से कह रही हूँ कि वो नहीं है। सर इस क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, तो दे रहे हैं फर्क, उनको ये शामिल है उनमें, ये वाले ब्राउनशर्ट, तो इनका इन्होंने कहा, मैंने कहा सर इमरान से पढ़ना आप लोगों, तो पता है इन्होंने क्या कहा, ये खास कह रहे हैं सर बहुत
इसकी सारी असाइनमेंट आनी चाहिए तो फाइनल प्रोजेक्ट जो क्लास मैंने चेक कर दिया मेरे रूम अपने हाँ चलिए बहुत लाइक है मैंने इसलिए इंट्रो कराया आपको इसका पता चल जाएगा टेंशन नहीं आंटी कैसे हैं आप ठीक हैं वो मैं ले लेता हूँ आइडिया अच्छा ये थोड़ा सा ऑनलाइन है कि ऑनलाइन भी है फैज़ रसूल फरहान हमजा तैयब उस्मान अली चलें ठीक है अच्छा थोड़ा सा कोई एक बंदा आप में से कोई प्रॉपर मुझे टॉपिक लिखवा दे मैं वन बाय वन आपसे पूछता जाता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा असेसमेंट करने में आसानी हो अकॉर्डिंगली हम अपना रोड मैप बनाए पहले तो ये बताएं कोर्स कब स्टार्ट हुआ था शेयर नहीं हो रही उसको जा रहा हूँ ऑफ कर लो जैसे एक दफा प्रेस कर दो हल्का सा वो सेट हो जाएगा जो बटन हल्का सा प्रेस हो जाएगा दोबारा एक दफा चलाओ यार क्या चक्कर है डुप्लीकेट कर रहा है ये बैच डीएडब्ल्यूटी कौन सा है हाँ जी कोई ऐसा जो समझता हो आपने एच टी एम एल ओबीसी कर ली होगी बुलेट सी लगा रहा है एच टी एम एल कवर है सी एस एस कवर है जावास्क्रिप्ट से पहले बूटस्ट्रैप को खत्म करें बूटस्ट्रैप कवर है बताते जाए ना जावास्क्रिप्ट ये मैं बेसिक कोर की बात कर रहा हूँ और ES6 की कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं टर्नरी ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर तो वैसे ओल्ड जावास्क्रिप्ट में भी यूज हो जाता है इसके हैं मैप फिल्टर रिड्यूस फॉर ईच स्प्रेड डायरेक्ट ऑपरेटर डिस्ट्रक्चरिंग इसमें कौन कौन से पढ़े हैं मैप पढ़ लिया स्प्रेड पढ़ लिया रेस्ट ऑपरेटर भी कुछ पढ़ लिया होगा डिस्ट्रक्चरिंग यार सोच लें नहीं वो नहीं पढ़िया मैं डी स्ट्रक्चर वैसे करना चाहता था फॉर ईच और फॉर लूप जावास्क्रिप्ट में पढ़ा फॉर ईच और रिड्यूस टेम्पलेट लिटरेचर्स एसिंक अवेट फेच एपीआई वेयर लेट कौन सा वैसे स्टार्ट में है उसके बगैर तो स्टार्ट ही नहीं होना वेयर लेट कौन अच्छा जी इसमें आप ये कहते हैं ये वाला टॉपिक अभी नहीं पढ़े ओके सर इसमें दो तीन पढ़े हुए हैं बाकी नहीं पढ़े चलो वो कह रहे दो तीन पढ़े हैं यार आपके दोस्त कह रहे हैं सब कुछ पढ़ा सिर्फ दो तीन नहीं पढ़े सर ये न्यू ये लोग सर इनका पहले स्टार्ट हुआ था बैच हमारा बाद में स्टार्ट हुआ दो वीक में अच्छा चले इसका कोई हिसाब लगा लेते हैं यानी ये इसको हम रख देते हैं ये खतरे में है ये सिक्स नहीं नैब के रडार में आ जाती है जैसे पॉलिटिशियन के ऊपर नैब का छापा हो ना तो हम इसको खतरे में डाल देते हैं ले जी पूरी ES6 रेड जोन में आ गई इसका भी फैसला करते हैं
हाँ जी, अब उसके बाद आ जाती है रिएक्ट। हाँ जी, रिएक्ट जेएसएक्स में, रिएक्ट में क्या क्या पढ़ लिया आप? जेएसएक्स पहले तो रिएक्ट का सेटअप तो ऑब्वियसली आपको आता होगा, उसमें तो कोई ऐसी नई बात नहीं। जेएसएक्स क्या हो गया? जेएसएक्स क्या होता है? ये दो चीजों को मिल के बनता है फॉर्मेट, HTML प्लस जावास्क्रिप्ट को जब मिक्स कर दे तो JSX बनता है। यूज स्टेट बड़ा, इवेंट हैंडलिंग, और यार फंक्शन बटन पे क्लिक करना, प्रॉप्स, डॉक्टर, यूज पैराम राउटर के अंदर, नेस्टेड राउटिंग। नेस्टेड राउटिंग क्या होती है? यानी एक नया बार उसके नीचे और नया बार बना के प्रोटेक्टेड। वैसे तो ये खत्म ही नहीं होते, ये इस पे चाहे तो 2 महीने लगा लें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। एटलीस्ट एज ए डेवलपर होने के नाते ये चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, प्रोटेक्टेड में भी डाउट है अभी? ओके, फॉर्म हैंडलिंग, फॉर्म हैंडलिंग के दोनों अप्रोचेस पढ़ लिए हैं। पहले तो टॉपिक आएगा तो वैलिडेशन आएगी ना, इसके दो अप्रोचेस हैं। एक तो होता है कि आप सिंपल लाइन के अंदर यूज स्टेट अलग अलग इनपुट के अलग अलग बना सकते हैं। फिर एक और मेथड होता है कि आप एक ही फंक्शन बनाते हैं, चाहे 1000 इनपुट हो, उन सबको फॉर्म हैंडल कर सकते हैं। वैसा भी सर ने करवाया। अच्छा जी, सिंपल तरीका पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा, ठीक है सर, दोनों ही नहीं पढ़। ओके, अच्छा ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कुछ कह रहे हैं पढ़े हैं कुछ इसका, एक दफा चलो टॉपिक को पहले स्ट्रीमलाइन कर देना। फिर एपीआई आपने उधर पढ़ लिया है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं पढ़ा अभी, तो फिर रिडक्स भी नहीं पढ़ा होना। अच्छा, इसके अलावा कुछ हुक्स हैं, जैसे रिड्यूसर हुक है वो वैसे ही रिडक्स में ही आ जाएगी, इधर ही कवर हो जाएगी। यूज मेमो, यूज रेफ, और यहाँ पे लिख लेते हैं हुक्स सेलेक्ट, ठीक है। अभी इस वक्त आप कहाँ पे हैं? रिएक्ट में पहुँच गए हैं? रिएक्ट का कौन सा टॉपिक आ रहा है? टू डू तो मैप से लाग बन जाएगी, मैप और फिल्टर से। अच्छा नहीं, टॉपिक आपका लास्ट जब सर अरसलान गए थे उन्होंने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? अच्छा ये पढ़ाना था, ओके प्रॉप्स पढ़ लिए थे, उसके बाद कंटेस्ट, ठीक है, उसके बाद इंडेक्स शुरू करो। सर फॉर्म्स करवा रहे थे सर तब, फॉर्म नंबर आज ये एक मिनट दे, मैं जरा सर अरसलान से पूछ लेता हूं, एक सेकंड।
सर आवाज नहीं आ रही। सर जी मैं बोल ही नहीं रहा, आवाज कैसे आएगी? मैंने जानबूझ के माइक ऑन किया था, मैं जरा आपके साथ से गपशप कर रहा था। WT12 सेक्शन मॉर्निंग सब्जेक्ट मर्द रूम नाम लो। कोई पता नहीं किसी वक्त किधर भेज देते हैं, कभी किधर भेज देते हैं। अच्छा जी ये काम करना है जी ऑनलाइन, आप भी नोट कर लें। अब क्योंकि अरसलान साहब ने अपना मैकेनिज्म या सलीम साहब का अपना तरीक़ेकार होगा, ये गूगल क्लास है, इधर से आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, इधर ही कोड मिलेगा और जितनी भी आपसे कम्युनिकेशन होगी। तो व्हाट्सएप का ग्रुप आपका बना हुआ है, आपने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, कोड नोट कर लें, जो ऑनलाइन है वो भी नोट कर लें, बेशक स्क्रीन शॉट ले लें या कॉपी करके मैं इसको अगर मैं इधर चैट बॉक्स में शेयर कर दूँ, ये को आ गया लिंक और ये इसका कोड भी आ गया। अब जो आज फिजिकल मौजूद हैं या जो ऑनलाइन है, इसमें से कल को ये कोई ना उधर ले सर के मैं गूगल क्लास में ऐड नहीं हुआ अभी, ज्वाइन कर लेंगे ना तरीका कर पता है, वो क्लास ज्वाइन कर लेंगे, गूगल खुद कर लेंगे ज्वाइन। मैं बता ही दूंगी ये भी ना बहाना बना रहे कल को। आप अपने जीमेल में जाएंगे, आपका जीमेल लॉगिन हुआ होना चाहिए और यहाँ पे आप ये छोटे छोटे डॉट्स बने हैं, यहाँ पे जाएं तो गूगल क्लास आ जाएगी, यहाँ पे देखें क्लास को, इस पर क्लिक करें। ये आपके पास इस तरह का इंटरफेस नहीं होगा, लेकिन ये प्लस आपके पास भी बना होगा। इस प्लस पे क्लिक करनी है तो क्रिएट नहीं करनी, ज्वाइन करनी है, ज्वाइन क्लास। इधर वो कोड पूछेगा आप क्लास में चले जाए, सिंपल सा काम। अच्छा जी यहाँ पे हम बना लें, चलो मर्न में मिक्स कर देते हैं सब कुछ। अच्छा जी ES6 को मैं ना रैपिडली रिवाइज कर देता हूँ, कल से आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स कर लेंगे, बल्कि फॉर्म कर लेंगे फॉर्म का दूसरा पार्ट, क्योंकि वो तरतीब से चले, या राउटिंग का प्रोटेक्टेड राउट्स करवा दूँ। एक मिनट नहीं, पहले फॉर्म हैंडलिंग कर लेंगे, कल फॉर्म हैंडलिंग करेंगे और देख लेंगे अगर टाइम बचा तो प्रोटेक्टेड राउट्स, अदरवाइज जब बैक एंड स्टार्ट करेंगे ना तो जब यूज़र लॉगिन होगा उसको बाकी राउट्स के हम एक्सेस दे देंगे। ये हमारे पास ऑप्शन है, हम बैक एंड के साथ भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब फॉर्म हैंडलिंग का एक और तरीका आपको करवा दूँगा, आज कोशिश करते हैं ES6 एक ही दिन में ख़त्म हो जाए। ले जी जो आपको आते हैं ठीक है, मैं एक दफ़ा क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया है, जो नए आए हैं उनको ES6 के कौन कौन से आप लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं? हाँ जी जो आप आए हैं कौन कौन से पढ़े हैं टॉपिक? सर मैप का पता है, स्प्रेड का थोड़ा बहुत पता है, वो सर ने बताया था। ठीक है मैप और स्प्रेड, ओके चलो ठीक हो गया सर, कर लेते हैं। अब बहरहाल आज की क्लास जरा ध्यान से लें, जावास्क्रिप्ट में प्रोडक्ट मॉडलिंग सिखाई है सर ने आपको? प्रोडक्ट नो सर। ठीक है चले मैं उस पर भी थोड़ा सा काम करते हैं, डे वन हमारे हिसाब से भी डे वन ही ले। CMD में जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड में। अगर आज का लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसको आप बाकी की एक्टिविटीज अब 2 माह के लिए तर्क कर दें। यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ dev.js, लें जी इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, console.log पे हेलो, इसको फिलहाल अभी CLS करके एग्जिट करते हैं और दोबारा ओपन कर लेते हैं, साइड बाय साइड खोल लेते हैं। क्या कह रहे हैं? क्लियर स्क्रीन, यानी वो डाटा जो पहले से आ रहा होता है ना उनको क्लियर करना होता है, वो अब इतना आएगा तो वो बाद पता नहीं चलता कि ऊपर वाले रिजल्ट्स क्या हैं। ले जी यहाँ पे जाके इसको कैसे चलाते हैं आप, कैसे रन करते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल? तो एनजीएम जावास्क्रिप्ट की फाइल
Node.js फाइल का पूरा नाम। ये आपको जावास्क्रिप्ट इतनी तो आती होगी ना सर ने, इतनी तो करवाई होगी। ये देखें अब मैंने एक दफा टाइप कर लिया, मेरा टाइम बच जाएगा। मैं बार बार ये देखें CLS लिखा है, क्लियर स्क्रीन अप डाउन कर सर, ये फायदा होता है इसमें, ये टाइम बच जाता है बार बार टाइप करने से। लें जी वापस आते हैं, सबसे पहले लेट वेयर कौन, वेयर लेट कौन, इसके बाद हम पढ़ेंगे मैप फिल्टर स्प्रेड रेस्ट, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, डिस्ट्रक्चरिंग। अब ये एंट्री कर लें, काफी ऊपर चले जा रहे हैं, डिस्ट्रक्चरिंग और ईच रिड्यूस टेम्पलेट लिटर, टेम्पलेट लिटरल्स की दरकार है। और ईच रिड्यूस फैच एपीआई को मैं रिएक्ट में करवा दूंगा, एसिंक का वेट को ना लाइव आपको एपीआई गेट करके निकाल लेंगे, वो कंसोल पे समझ नहीं आ रही, वो हमारा कई दफा ये चीजें रिपीट होंगी। लेन इधर आ जाए जी, लेट वेयर कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है जल्दी बताएं, ताकि टाइम पहले ही आपने निकाल लिया, जल्दी जल्दी करें। फिर लेट वेयर कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती दोबारा, और वेयर स्पेलिंग का फर्क है, पहला तीनों के स्पेलिंग ही अलग अलग है। अच्छा जी, जो वेयर होता है इसका होता है, वेयर का होता है ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप। जो लेट और कॉन्स्ट होते हैं ये ब्लॉक्ड स्कोप होते हैं। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए पहले हम कुछ दो चार एग्जांपल क्रिएट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आज जो इंशाल्लाह आप कर लेंगे सारी उम्र आपको लेट वेयर कॉन्स्ट की टेंशन खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं एक नाम रखता हूँ यहाँ पे, अली रख ले, अज्यूम कर ले। मैंने इसके साथ नाम प्रिंट करवा लिया, मैं इसको यहाँ पे, ये तो आपको बेसिक चीजें पता है ना, वेरिएबल्स वगैरह। एक और लेता हूँ और यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, ये मैं लेट के साथ भी ले लेता हूँ, और इसको भी कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ नेम, और इसको कॉन्स्ट के साथ भी ले लेता हूँ अली, और इसको भी प्रिंट करवा लेता हूँ। अच्छा जी, वो कह रहा है नेम आइडेंटिफायर, क्योंकि हम कॉन्स्ट के साथ रख नहीं सकते, ले इसको कमेंट कर दें, इसको भी कमेंट कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने वेयर के साथ नेम प्रिंट करवाया तो उसने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, चले जबरदस्त। फिर मैंने सेम काम लेट के साथ किया, फिर भी कोई मसला नहीं आया, यानी मैं वेयर के साथ अगर डिक्लेयर करता हूँ तब भी कोई मसला नहीं आ रहा, सिर्फ अभी फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। और अब अगर मैं इसको कमेंट करके सेकंड वाले को, थर्ड वाले को करता हूँ, तो इसमें भी कोई मसला नहीं आएगा, ये देखें। तो पहला तो ये हमें पता चला कि अगर आप सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो तीनों तरीकों से जिससे मर्जी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगल आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मसले मिसाइल जन्म लेना स्टार्ट हो जाएंगे, ले इसी को मैं पकड़ता हूँ, इन तीनों की कॉपीज बना लेते हैं और इनको नीचे कर दें, यहाँ पे आ जाए। मैंने वैर के साथ एक नेम लिया और यहाँ पे जाके वैर के साथ मैं फिर नेम लेता हूँ हसन, प्रिंट करवाता हूँ, क्या आएगा हसन। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर जाके नेम प्रिंट करता हूँ, देखिए ये अजीब सी बात हो गई है। अब एक ही वेरिएबल को अगर आप दोबारा डिक्लेयर करें तो ये आपके प्रोग्रामिंग के अंदर एरर है, एक डीबग है, एक प्रॉब्लम है। अब जब आप कोड लिखते हैं वहां पे कुछ 40-50 लाइनें कोड नहीं होता, वहां पे आपने 200-200 लाइनों का कोड, 10-10,000 लाइनों का कोड लिखना है। अब हो सकता है मैंने 500 लाइंस पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था नेम के नाम का, अब मुझे कोडिंग करता गया, फिर जाके 2000 लाइन पे मुझे फिर जरूरत पड़ी। अगर मैं वेयर के साथ डिक्लेयर करता हूँ तो वो मुझे इजाजत दे देगा, यानी होना ये चाहिए कि वो मुझे एरर दे दे। सेम वेरिएबल है, देखें कुछ पहले कोई मिस्टेक नहीं, मैंने कि वेरिएबल सेम ही रखा हुआ नाम, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर दिया। ये एक बुनियादी वजह बनी थी जावास्क्रिप्ट के अंदर वेयर के कीवर्ड को एलिमिनेट करने की, इसे ऑब्सोलीट करने की। अब जो डेवलपर हैं लेट और कॉन्स्ट यूज करते हैं,
इसीलिए अगर आप YouTube पे या दाएं बाएं पूछें अगर यार वायर यूज ना करें, लेटर पोस्ट करें, भाई उसके पीछे का लॉजिक क्या है, पीछे दिमाग क्या है, क्यों उसको खत्म किया गया। पहली वजह तो ये है कि अगर आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर चुके हैं, वायर के साथ आप उसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि एक फ्लॉ है कोडिंग का। अगर यही वाला काम आप अपने लेट में जाके देखें, इसको मैं फिलहाल उड़ा देता हूँ, किसी की कॉपी कर लेते हैं और इसको कमेंट कर लेते हैं। मैं देखे सिर्फ वेयर के वर्ड को बदलने लगा, लेट में कन्वर्ट कर दिया, उसने फौरन एरर दे दिया। देखो नीचे पहले ही रेड अंडरलाइन आ गया। अगर मैं यहाँ पे वेयर दोबारा करता हूँ वो एक्सेप्ट कर लेता है, अगर मैं उसको लेट करता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। सो पहला डिफरेंस इन तीनों डेटा टाइप्स में ये आया कि आप वेयर के साथ वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर कर सकते हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ रीडिक्लेयर। अभी एक और इसमें स्टेप आएगा, वो भी आपको मैं गाइड कर दूंगा। आप लेट के साथ किसी भी वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। आप इसको चलें आपने कसम खा ली कि मैंने इसको करना ही करना है, वो अब आप जाके इसको कंसोल पे करवाएंगे तो इधर अलर्ट दे देगा, ये देखिए आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ये देखें उसने उस पर पॉइंट आउट भी किया कि आप इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। सो पहला डिफरेंस हमें ये मिला कि आप वेयर के साथ वर्ड रीडिक्लेयर कर लेते हैं लेकिन लेट के साथ नहीं कर सकते, और सेम ही कॉन्स्ट के साथ होता है। अच्छा, कॉन्स्ट का जो वर्ड है ना, इससे मुराद है कॉन्स्टेंट, कोई ऐसी वैल्यू, कोई ऐसा फंक्शन जो आप अपने प्रोग्राम में फिक्स रखना चाहते हैं, मतलब उसे टाइम एंड अगेन चेंज नहीं करना। अब कॉन्स्ट क्या हो सकता है, आपका रोल नंबर हो सकता है, आपका CNIC हो सकता है, स्टूडेंट ID हो सकती है, कोई ऐसी वैल्यू जैसे GST है, या कोई ऐसी फिक्स वैल्यू जो चेंज नहीं करनी, थ्रू आउट पूरे प्रोग्राम में सेम रखनी है। मिसाल के तौर पर मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आप 5,000 से ज़्यादा चीज़ें परचेज करेंगे तो आपने 300 देना ही देना है किराया, फ्लैट रेट मैंने फिक्स कर दिया। मैं उस वैल्यू को या उस रेंट को, उस गाड़ी के रेंट को मैं कॉन्स्ट बना सकता हूँ। मुझे ये पता कि जैसे ही 5,000 आएगा तो 300 फिक्स है, उसे नीचे बेशक हो सकता है मैं फ्री डिलीवरी कर, कॉन्स्टेंट वैल्यू जो चेंज ना हो। जब वो लेट में चेंज करने की इजाज़त नहीं दे रहा तो कॉन्स्टेंट का मुराद ही फिक्स वैल्यू है, यानी आप उसे सिर्फ एक वैल्यू को एक टाइम ही डिक्लेयर कर सकते हैं, दोबारा तो ये यूज ही नहीं होना। सो पहला डिफरेंस आपका इन दो वेरिएबल्स में ये है कि आप वेयर के साथ रीडिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन कॉन्स्ट और लेट में नहीं कर सकते। एक स्टेप आगे चलते हैं, ये देखिए इसी को पकड़ते हैं, यहां पे मैं जाता हूं, मैं अब की बार जरा काम अनोखा करता हूं थोड़ा सा, क्या यहां पे जाके मैं नेम के अंदर वैल्यू अपडेट कर देता हूं। ये पहले मैंने रीडिक्लेयर किया था, अब मैं वैल्यू अपडेट करने लगा, ये ले उसने वैल्यू अपडेट कर दी, ठीक है चले कोई बात नहीं, लेट में भी वो इजाजत दे देगा। लेट में रीडिक्लेरेशन का मसला है, वैल्यू अपडेशन का मसला नहीं है, वैल्यू अगर यहाँ पे जाएंगे अपडेट कर देगा हाँ, लेकिन कॉन्स्टेंट में ये काम भी नहीं आप कर सकते। कॉन्स्टेंट का तो मतलब भी फिक्स है, देखें उसने एरर नहीं दी यहाँ पे, लेकिन इधर अगर आप प्रिंट करवाएंगे ना, देखें इधर आप एरर पड़े, असाइनमेंट टू ए कॉन्स्टेंट वेरिएबल, यानी आप एक ऐसा वेरिएबल जिसकी पहले वैल्यू आपने फिक्स कर दिया है, अब दोबारा उसको आप नई वैल्यू नहीं दे सकते। सो पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस आपका क्रिएट हो गया। अब थोड़ा सा जाके इसके डिफरेंस को ब्लॉक स्कोप एंगल से देखते हैं और एक एग्जांपल और बना के हम बाकी चीज़ों पे चलते हैं। ले जी यहाँ पे जाते हैं, तो कोशिश ही कर सकते हैं ना, इफ हु विल विन, अगर ट्रू है तो फिर एक वेयर लो और हु विल विन कर दो इसको, हु विल, यार इसको वेरिएबल को इधर ही ले आए, क्या फर्क पड़ता है, अब यहाँ रख दें TLP पर, नून लीग का तो अभी नामो निशान ही कोई नहीं, यहाँ पे हु विल विन को इधर भी प्रिंट करा दें
और इधर विकराल। हाँ जी जीनियस लोग, क्या जवाब आएगा? अच्छा पहले तो ये बताएं इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने इफ में इतना बस छोटा सा लिख दिया है, इफ हु विल विन, इस डब्बे का क्या मतलब है खाली इतने बॉक्स का? ये ट्रू है या फॉल्स है इस वक्त? हाँ जी ट्रू और फॉल्स का कैसे पता चलेगा ये ट्रू है या फॉल्स है? हाँ जी जो आप आए बाद में, आपका क्या नाम है? हाँ जी बताएं। और नहीं ये तो आप गैस ही लगा रहे हैं ना, फिर टास्क कर लें। हाँ जी एंड पे आप जो नहीं आए, आप आए नहीं, हाँ बताएं। वो तो मुझे भी पता लग गया लेकिन प्रूफ की लॉजिक क्या है? अच्छा कोई भी पूरी क्लास में ऑनलाइन प्लस फिजिकल जावास्क्रिप्ट में ट्रू क्या होता है फॉल्स क्या होता है पूरी क्लास? ये इंटरव्यू का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, ट्रू क्या और फॉल्स क्या जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट में ट्रू क्या होता है और फॉल्स क्या होता है वो तो मुझे ही पता होता है, उसकी डेटा टाइप है बूलियन वैल्यू। हाँ जी और भाई सिंपल सी बात है, मेरी बात सुने ध्यान से, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में एब्सोल्यूट जीरो ही फॉल्स होता है, इसके अलावा दुनिया की जो चीज मर्जी आ जाए, चाहे माइनस में वैल्यू है चाहे प्लस में है चाहे ए बी सी है, इवन कि मैं यहाँ पे ये वाला इसके अंदर कुछ स्पेस भी दे दूंगा ये भी ट्रू है, सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो होगा तो वही फॉल्स होगा। जी मैं दफ्तर में बैठा हूँ, हुक्म करें। आजाद अहमद और शबीर, हाँ जी कौन है आप में से आजाद अहमद और शबीर? नहीं कौन सा बैच है वो, कौन सा? हेलो और सर जी कौन से बैच की बात कर रहे हैं? 57 बैच है आप में मिक्स कोई आजाद और दूसरा दोनों गया है, इमरान खान के साथ देख गए अटक उनको। अच्छा जी ये देखें बाय डिफॉल्ट अगर आपसे को पूछ ले तो सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो ही फॉल्स होता है, अदर देन जीरो जो भी वैल्यू आएंगे ट्रू है। इसके आगे मैं अगर ट्रिपल इक्वल लिख दूं ट्रू या ना लिखूं ट्रू, इससे मुराद एक ही है। डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल का आइडिया है ना सबको? हाँ जी कुछ जो पीछे वाले जो नए पता है डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल चले। अच्छा जी अब इसका जवाब क्या आएगा? अच्छा इधर ना आपकी सहूलत के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं इंटरनल, ताकि आपको पता हो ये वाला प्रिंट यहाँ पे हो रहा है और ये वाला प्रिंट यहाँ पे हो रहा है, आपको दोनों का डिफरेंस भी समझ आए। इसको कर देते हैं एक्सटर्नल चले। हाँ जी जवाब क्या आएगा? वो कितनी दफा टीएलपी और पीटीआई ये देखें दो दफा कंसोल किया हुआ है। अच्छा आप एज ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर होने के नाते आप जरा इसको वैसे चलाएं, हाँ जरा जावास्क्रिप्ट चलता है लाइन बाय लाइन, ये तो पता है सबको लाइन बाय लाइन चलाते हैं। हु विल विन क्या लिखा है जी? पीटीआई। इधर आया हु विल विन ट्रू है तो उसने पीटीआई की जगह क्या कर दिया और वेयर आपको पता है अपडेट कर देता है वैल्यू। अब मेरे पास अपडेटेड वैल्यू क्या आ गया इधर, यहाँ पे आया तो क्या प्रिंट करेगा टीएलपी, और ऑलरेडी वो टीएलपी हो चुका है तो यहाँ भी टीएलपी आएगा। ये एक गलत अप्रोच है लेकिन वैर ने फिर भी मान लिया, दोनों जगह टीएलपी कर देगा ये। यानी उसके कहने का मतलब ये है, यानी जावास्क्रिप्ट या वैर ये चाहता है कि आप ब्लॉग बनाएं या ना बनाएं मेरी सेल पे कोई असर नहीं होना, तो फिर फायदा इतने खूबसूरत ब्लॉग देखे मैंने, मेरे इतनी मेहनत करके कर्ली ब्रैकेट्स बनाई, ये एक ब्लॉग बनाया, उसके कहने का मतलब ये है कि ये ब्लॉग बनाएं या ना बनाएं मेरे लिए इनकी कोई हैसियत नहीं, तो फिर ब्लॉग का बनाने का क्या फायदा है, ना ही बनाएं फिर अपना टाइम कोई एक दो सेकंड तो बचाए ना। अगर वैर के साथ आप करते हैं तो वो इन ब्लॉग्स की जो आइडेंटिटी है वो ऑब्सोलीट कर देता है। अब आप इसी एग्जांपल को जस्ट लेट के साथ करें तो अब आपको जो मैंने सबसे पहली वर्डिंग बताई है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं करता हूँ लेट, सिर्फ मैंने वर्ड ही बदला है, ये देखें मैंने कुछ भी नहीं बदला होगा, ये वेयर को लेट में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, ऊपर टीएलपी आ जाएगा यहाँ पे और नीचे पीटीआई आ जाएगा। अब समझ आई
जो मैंने यहाँ पे लिखा था लेट वेयर और कॉन्स्ट का क्या होता है ब्लॉक्स को, यानी ये ब्लॉक के अंदर ये वाला जो डाटा है ना इसकी दुनिया एक अलग है, इसकी मेटावर्स अपनी है, इसकी अपनी कायनात है। ये जो बाहर वाला डाटा है ये बाहर ही एक्सेस हो रहा है, आप अंदर कुछ भी कर दें वो कहता है इस लेट का मतलब और है, इसकी एक्सेसिबिलिटी विद इन दैट ब्लॉक है, बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए तो इसको उन्होंने ब्लॉक स्कोप कहा हुआ है। ये देखिए, यानी ब्लॉक के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते इस लेट को। तो जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं ना, ये काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। आप बड़े बड़े जब फंक्शन लिख रहे होते हैं, एक फंक्शन के अंदर वो 5-6 ब्लॉक्स आ गए, आपको किसी जगह आपने लेट लिख दिया और बाद में कहते हैं सर लेट की वैल्यू नहीं प्रिंट हो गई, अनडिफाइंड आ रहा है, नॉट नंबर आ रहा है, भाई वो इन्हीं स्कोप की बेस पे होता है। हो सकता है आपने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया हो और इसके अंदर भी एक ब्लॉक बनाया हो, यहाँ पे इधर आप इस लेट को एक्सेस करना चाह रहे हो यहाँ पे, फिर प्रॉब्लम आएगी। नहीं करेगा वो उसी की तरह आते हैं, फंक्शन की एक बड़ी एग्जाम्पल बनाते हैं, वो आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी। बस आखिरी लेवल ये आपके लेट वेयर कॉन्स सारी उम्र के लिए खत्म हो जाएंगे। ले जी, ये उसने लेट को ब्लॉक के स्कोप से बाहर इजाजत नहीं दी और यही वाला काम कॉन्स के साथ होता है। हालांकि आप खुद सोचें कि कॉन्स के साथ तो आप वैल्यू दे ही नहीं सकते, नहीं अभी मैंने पढ़ाया कि कॉन्स के साथ आप वैल्यू नहीं दे सकते, नया नाम नहीं दे सकते, लेकिन ये नया नाम इसलिए हम दे पा रहे हैं क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर है, ब्लॉक के अंदर अलग दुनिया है, ये जो बाहर की वर्ल्ड है ये उसके लिए अलग है, उसको नहीं पता बाहर क्या लिखा हुआ है, क्या वैल्यू दी है। जब मैंने यहाँ पे आके डिक्लेयर किया तो वो ये मान के चल रहा है कि ये फर्स्ट टाइम डिक्लेयर हुआ क्योंकि ब्लॉक्स लगे हुए हैं, इसलिए इनको कहते हैं ब्लॉक्स को। और मैं जब वेयर को प्रिंट करवा रहा था तो वो मेरे फंक्शन से भी बाहर था, ये मेरे ब्लॉक से भी बाहर था, उसको मैं ग्लोबली एक्सेस कर रहा था, पूरे प्रोग्राम में जहाँ मर्जी एक्सेस कर लो, इसलिए उसको ग्लोबल स्कोप कहते हैं। ले जी, अब तीनों को मिक्स करके एक बड़ी एग्जांपल बना लेते हैं। तो एक फंक्शन बना लें, चौदह अगस्त के लिए आजादी का मैसेज बना लें, ठीक है चलो। और यहां पे कह दें इसको एक मैसेज पास करें और आजादी को मैं अगर ट्रू वैल्यू पास कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे मैं देता हूँ वेयर एफ नेम कायदे तो नहीं कर सकते, अल्लामा इकबाल कह लगता है और यहाँ पे इनको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, दोनों को जोड़ दें, वैसे इकट्ठा जोड़ दें, यहाँ पे कर दें फर्स्ट, अभी सिंपल जोड़ लेते हैं इस तरह प्लस करके एफ एन, फिर प्लस किया लास्ट करके यहाँ पे प्लस कर दें और एल एन, चलो इधर प्लस लगाना था यहाँ पे। हाँ जी, इसको तोड़ दें ताकि आपको जरा आसानी से नजर आता रहे। अच्छा जी, ये लिख क्या दिया मैंने कोई समझ नहीं आ रही, पहले इन ब्लॉक्स को समझें। ये जो येलो ब्रैकेट्स है ना, ये वाली, ये यहां से यहां तक फंक्शन स्कोप है और उसके अंदर ये जो पर्पल कलर की ब्रैकेट आ रही है, ये इंडिगो कलर की ब्रैकेट आ रही है, ये एक ब्लॉक स्कोप। अगर आप दोनों को मिक्स करके पढ़ें तो फंक्शन ब्लॉक स्कोप, अगर आप सिर्फ येलो ब्रैकेट को पढ़ें तो फंक्शन स्कोप, ये अगर पढ़ें तो ब्लॉक स्कोप, दोनों को इकट्ठा पढ़ें तो फंक्शन ब्लॉक स्कोप। वेयर का होता है फंक्शन ब्लॉक स्कोप और ग्लोबल स्कोप, और जबकि कॉन्स्ट और लेट का सिर्फ ब्लॉक स्कोप होता है। ले जी, इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे आ गया, ये मैं ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ इसको, ये तो आपको कंफर्म है ना, ये देखें उसी ब्लॉक में एक्सेस कर रहा हूँ। ओके चलें, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। ये
अब मैं ये वाली लाइन यहाँ पे करना ही नहीं चाह रहा, मैं इसको निकाल देता हूँ बाहर। अब वो ब्लॉक के स्कोप से बाहर आ गया, ब्लॉक की लिमिट यहां तक है। अब मैं उसे फंक्शन के अंदर जाके एक्सेस कर रहा हूँ, वैल्यू मैंने डिक्लेयर यहाँ पे की, उनकी एक्सेसिबिलिटी मैं फंक्शन के अंदर कर रहा हूँ। अब भी वो मुझे इजाजत दे देगा ये। ओके चले, आप ऐसा करते हैं इसको बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ भी ट्राई करते हैं। मैं इसको वापस ले जाता हूँ, ये लें, वापस लेके जाना है इसको, इसको नीचे कर ले, इसको ऊपर ले, सिर्फ लेट कर देता हूँ। कोई मसला? ये ब्रैकेट किसकी गलती कर रहा है? ये वाली ऊपर आ रही है, ये। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है इसमें? होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लॉक में अभी एक्सेस कर रहा हूँ ना, इसकी लिमिटेशन यहाँ तक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको विद इन दैट ब्लॉक इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। अब मसला आने का गाला भी इम्कान है, ये देखो। अब मैं जाके जान बूझ के जरा एक्सपेरिमेंट की खातर सिर्फ इनको मैं बाहर निकाल देता हूँ ब्लॉक से। अब एक्सेसिबल नहीं है, यही मैं आपको चीज समझाना चाह रहा था। इस लेट की जो एक्सेसिबिलिटी है वो सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही है। हाँ, अब ये फंक्शन के दायरे कार में आ गया, यानी वो लोकल डोमेन से निकल के वो फंक्शन की डोमेन में आ गया। अब अगर आप मैसेज पढ़े तो आप एरर भी पढ़ ले, क्या कह रहे हैं यहाँ, वो कहते हैं भाई एफ नेम और लास्ट नेम कहाँ पे डिफाइन किया, उसको मिल ही नहीं रहे वो, जब क्योंकि उनको हमने डिफाइन किया लेट के साथ। अगर आप वेयर के साथ करते हो तो वो पूरे प्रोग्राम में जहां मर्जी एक्सेस कर लें, इसलिए वेयर का उन्होंने कहा यार इसका तो फायदा ही कोई नहीं, फिर मुझे मैं ब्लॉक बनाऊं ना बनाऊं तो फिर प्रोग्राम के अंदर आपके नेस्टेड ब्लॉक्स भी बनते हैं। अब एक फंक्शन के अंदर पता नहीं कितनी दफा आपको ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं। अगर मैं वेयर के साथ करता हूँ तो ब्लॉक की तो कहानी खत्म हो जाएगी, तो फिर ब्लॉक बनाने का फायदा नहीं। सो इन सिनेरियोज में आपको वेयर और लेट इफेक्टिव रहता है। अब ये देखें, अगर मैं इसको जाके कॉन्स्ट के साथ भी करता हूँ तो सेम सिनेरियो होगा। इसको कॉपी करके कमेंट कर देते हैं, इधर आ जाए पेस्ट। अगर मैं इसी को जाके यहाँ पे कॉन्स्ट के साथ ब्लॉक के अंदर एक्सेस करूँ तो हो जाएगा, और अगर अगेन इसको मैं ब्लॉक से बाहर करूं तो फिर वही प्रॉब्लम। अब इससे बड़ा डिफरेंस मेरा ख्याल है आपको इतनी डिटेल में लेट वेयर कॉन्स्ट की समझ या, हाँ ठीक है, ऑब्वियसली इसमें एरर देनी चाहिए थी। विद इन ब्लॉक उसकी दुनिया अलग है और ब्लॉक से बाहर उसकी दुनिया अलग है। हाँ, ये आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको एक कॉपी करता हूँ कमेंट, ये आप एक काम कर सकते हैं, मैं इसको डिक्लेयर ही बाहर करता हूँ और इसको एक्सेस भी बाहर ही करता हूँ। वो डिक्लेयर किसके अंदर किया है? येलो ब्रैकेट के अंदर, तो मैं येलो के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी एक्सेसिबिलिटी जिस ब्लॉक के अंदर रखेंगे ना उसी ब्लॉक, ब्लॉक से बाहर अगर आप जाएंगे तो भटक जाएंगे, लिखा है ना, अपने हाथ से तजावज करोगे तो भटक जाओगे। सो होपफुली इसमें कोई डाउट है तो बताएं, अदरवाइज आगे चलें, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया आपका, तो आगे हमको क्लियर है सर। टेम्पलर लिटरस छोटा सा टॉपिक है, वो एक मिनट में करवा देते हैं। लेट एफ नेम लेता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ असद रख चले, और लेट एल नेम कर देते हैं अली। इन दोनों को जोड़ने के लिए अभी तक आपने क्या ट्रेंड पड़ा हुआ है, फर्स्ट नेम इज, और यहाँ पे कॉमा के साथ भी कंकैटिनेट कर सकते हैं, प्लस से भी कर सकते हैं एफ नेम, और यहाँ फिर कॉमा दे एंड लास्ट नेम इज, और इसको यहाँ पे प्लस नहीं दिया तो दे देते हैं, और यहाँ पे फिर दे दें प्लस एल नेम। सो ये एक अजीब सा ना खिचड़ी वाला काम हो गया, लंबा चौड़ा, देखिए कितनी लंबी थी स्ट्रिंग। और अगर कल को मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ लेट एज, और फिर मुझे अगेन एंड अगेन फिर यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, फिर जाके उसको कंकैटिनेट करना पड़ेगा एंड एज, और यहाँ जाके फिर प्लस करूँगा और एज। ऑल दो काम आपका हो रहा है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये एक
लेंथी प्रोसेस है। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक शॉर्ट तरीका दिया हुआ है बैटिक्स का, जिसको टेम्पलर लिटरल्स भी कहते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स भी कह देते हैं, या उसको मैं तो कहता हूँ उल्टे कोमे, सिंपल याद रखने के उल्टा कोमा। ये देखे ना टैब के बटन के ऊपर बना होता है, ये बैटिक्स इसको कहते हैं। जरा पढ़े लिखे जो जरा आते हैं बैटिक्स कहते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दें, फर्स्ट नेम इज, और उसकी वेरिएबल्स की वैल्यू लेनी है तो डॉलर साइन लगाएं और कर्ली ब्रैकेट्स एफ नेम। अब देखे मैं ए की फ्लो में लिख रहा हूँ, एंड लास्ट नेम इज, फिर डॉलर साइन लगाया एल नेम, और फिर इसी तरह एंड एज इज डॉलर साइन और एज का वेरिएबल दे दें ले। ओके, और आप जब रिएक्ट में या मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे तो इस चीज की आपको बेताशा जरूरत पड़ेगी। जब आप राउटिंग बनाएंगे वहां पे आपने डायनामिक वैल्यू लेनी होती है, तो फिर प्लस ऑल दो प्लस वाला काम भी आ जाता है, ट्रेडिशनल तरीका भी काम आ जाता है, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच है। अच्छा जी, यहाँ पे चलते हैं एक स्टेप आगे, ये छोटा सा था, इसको करके फर्क कर दे मैप। हाँ जी, मैप का क्या फायदा है, क्या फायदा है मैप का? तो फंक्शन है, वेरी गुड। हाँ जी, और बताएं जी, बाकी लोग खेले हैं जी, आप लोग भी बताएं यार, आप क्या किस दुनिया में है, ऐसी क्लास इतनी सुस्त। कल से जरा नहा दो के आना, दो दो कप चाय के पी के आना, क्योंकि किसी वक्त किसी से भी सवाल हो सकता है, और जो मैंने पढ़ाया वो मैं सवाल उससे बाहर नहीं पूछूंगा। हाँ, सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। दौरान क्लास कल आपके पास लैपटॉप रजिस्टर होने चाहिए, जिसके पास रजिस्टर या लैपटॉप ना हो वो मेरी क्लास में कल बेशक ना आए, अगर ना हो तो मैं क्लास से निकाल दूंगा। कोडिंग पढ़नी है तो 2 महीनों में आपको मैं एटलीस्ट मर्न डेवलपर फुल स्टैक बना दूंगा, ये गारंटी है। ये गारंटी नहीं होगी कि आप बिल गेट्स बन जाएंगे, लेकिन काम करने के काबिल हो जाएंगे आपको। मैं 2 महीनों में इतना तो करा दूंगा कि आप अच्छे लफ्जों में इंशाल्लाह याद रखेंगे। हाँ जी, मैप मेथड में क्या फ़र्क है? कल से लैपटॉप रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, और ऑनलाइन आपने भी यही काम करना है भाई। ये नहीं करना कि उधर हम टीवी लगाओ और एक साइड पे मोबाइल रखाओ, उधर अर्थकल क्लास ही देख रहे हो और इधर आप कॉलेज गेट देख रहे हो और साथ मेरी क्लास ले रहे हो, ये काम गलत है। आपको तीनों की समझ नहीं आनी, तीनों की समझ नहीं आनी, ना ड्रामे की समझ आनी है, ना अर्थकल क्लास की समझ आनी है, ना ड्रामे की समझ। खिचड़ी है ना, हम मल्टी टास्किंग के लिए इंसान बना ही नहीं है। अगर आप एक काम करेंगे ना 3 महीनों के लिए, एक काम डिफाइन कर लें 3 महीने, उस पर फोकस करें, तो आप एक कामयाब पर्सन बन जाएंगे उस फील्ड में। अगर आप ये कहें कि जनाब जावास्क्रिप्ट भी कर रहे हैं और रात को 2 घंटे गोलैंग भी करनी है और रात को सोने से आधा घंटा पहले जनाब कासम अली शाह ने कहा कि एंगुलर को भी टच दे लो, आधा घंटा उसे करें सुबह उठेंगे तीनों भूली होंगे, उससे बेहतर है कि रिएक्ट कर लें। अच्छा जी, मैप में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, मैप बनाने का क्या फ़ायदा है? इसको समझने से पहले थोड़ा सा ना टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाते हैं, मैप की ज़रूरत क्यों पेश आई। देखें, जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है ना, ये खाम खा ऐसे नहीं बना दी गई, और इसके बनाने से इसने कोई नया काम नहीं किया कि आपकी जो एग्जिस्टिंग जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर कोई नई फीचर नहीं ऐड की कि आप कहें कि जनाब वो चीज़ जावास्क्रिप्ट में नहीं होती थी वो ES6 में आ। ये 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है। पहले दुनिया में जावास्क्रिप्ट चल रही थी, बाद में जब थोड़े से लोग पढ़े लिखे हुए थे उन्होंने JQuery बना दी, जब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए तो उन्होंने ES6 बना दी। फर्क क्या है? जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप एक कोड 100 लाइन्स में लिखते हैं, यही कोड JQuery में 10 लाइन्स में लिखा जाएगा, काम वही होगा। और अगर आप ES6 में जाते हैं तो वही कोड 1 लाइन में लिखा, सेम फंक्शनैलिटी होगी। ये नहीं कि आप कहें कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जनाब फंक्शनैलिटी और थी और ES6 में दुनिया बदल गई, नहीं। मैं इस चीज़ को पहले मैप दुनिया में वजूद में क्यों आया इसकी लॉजिक देखें, मैप भी वही काम करता है जो पहले से हम करते आ रहे हैं। अच्छा जी, आप एक मुझे काम, कोई एक जिसकी जावास्क्रिप्ट कौन मैडम कह रही थी, वारशिद की कह रही थी, हाँ जी आप बताएं। मेरे पास एक रे है, नंबर की रे है मेरे पास, ये 33, 44, 55 चले, ये एक नंबर की रे है। मैं चाहता हूँ हर नंबर के अंदर, नहीं हर नंबर के अंदर करने हैं, चले हर नंबर के अंदर कर ले कोई बात, और यहाँ पे कर ले 47। समझ लें, कोरोना वायरस के दरमियान मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स की ग्रेडिंग कर रहा हूँ, हर स्टूडेंट को मैंने 15 मार्क्स ग्रेस देने, यही हुआ था ना, 15 मार्क्स उन्होंने एक्स्ट्रा दिए ताकि स्टूडेंट पास हो जाए, यही किया था ना उन्होंने।
आपने हर स्टूडेंट को 15 ग्रेस मार्क्स देने हैं, लेकिन कंडीशन ये है विदाउट आल्टरिंग ओरिजिनल अरे। हाँ जी, कौन लिखवाएगा जी? हो जाए शुरू ही, यानी आपने मुझे डिक्टेशन देनी है, मैंने जस्ट टाइप कर, बहुत आप पीछे देख रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, हर नंबर के अंदर 15 10 कर लो ऐड, जरा 10 नहीं दे आप, 15 नहीं देना चाहते, आपका दिल नहीं बड़ा, 10 दे दो। 10 मार्क्स हर स्टूडेंट को देने हैं। सिर्फ इसमें कैच मैंने जानबूझ के एक रखा है कि आपने ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई नहीं करना भाई। अगर इसके अंदर ही आप चेंज कर देंगे, आप जाके कहें कि जनाब इसके अंदर मैं नाम 0 के अंदर अगर मैं कर दूं प्लस 10, ये भी तो एक तरीका है। पहले इंडेक्स में 10 ऐड हो गए, दूसरे में कर दूं तीसरे में, या आप जो अगर बहुत ज्यादा आपने मेहनत की है पिछले 4 महीनों में, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं, आई इज लेस देन नाम डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, और जो बी नंबर मेरे पास आ रहा है वो किस में आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग नाम ऑफ आई प्लस 10। ये अगर आपने फॉर लूप पढ़ी होती तो ये आप काम कर देते, हाँ, लेकिन ये काम भी इफेक्टिव नहीं है। क्यों? उसने ओरिजिनल अरे ही बदल। जिंदगी में ये मेरी बात याद रखें, कल को आप सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाएंगे, आपको सीईओ जितनी मर्जी मिलते तरले करता रहे, आपने कभी भी ओरिजिनल डाटा को नहीं छेड़ना। वो अच्छे मूड में भी हो तो कह दें ठीक है आप सर सही कह रहे हैं, और उसकी कॉपी बना ले पहले, उसका कोई पता नहीं 2 मिनट बाद माइंड बदल दे, फिर ओरिजिनल डाटा आप कभी रिस्टोर कर ही नहीं सकते। अब मुझे पता ही नहीं कल को चलना, अगर मैं यहाँ पे 15 मार्क्स ऐड कर दूं, मुझे क्या पता चलेगा कि उस वक्त, या अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हो उन स्टूडेंट के अंदर 15 मार्क्स ऐड कर दो जिनके मार्क्स 50 से कम हो, इफ नम ऑफ आई इज लेस देन हो 50 के, उनके अंदर ही सिर्फ ये वाले मार्क्स ऐड कर दो 15। ले जी, अब मैंने कंडीशन लगा दी, देख जब मैं इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आऊंगा ना तो मसला बनेगा। अब कैसे ढूंढूंगा कि उस वक्त पहले उसके मार्क्स क्या थे? अब 50,000 स्टूडेंट होते हैं तो ये इट विल बी क्वाइट ट्रेडिशियस फॉर यू पीपल। इसको सॉल्व कैसे करें? अच्छा जी, अभी उसी पे वापस आते हैं, इसको ओरिजिनल पे काम लेके इसका सोल्यूशन बताएं अभी के लिए फिलहाल। ये मैं इसको ओरिजिनल फॉर्म पे ले आता हूँ, ये काम मैंने करवाया। ये सर जी बताएंगे ओरिजिनल रे चेंज हो गई है, मैं ये चाहता ही नहीं था, क्या करें? जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ाई सर ने? और आप कह तो रहे, पूछा मैंने आपसे पहले, देखें इधर आपसे पहले पूछा, नहीं देख, ये कोर जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, तो डॉम भी पहले कोर लूप आएगी तो डॉम करेंगे ना, डॉम में भी तो लूप ही चलानी है, उसमें भी यही वेरिएबल है, वो सिर्फ ये है कि मैं कंसोल पे करवा रहा हूँ यूआई पे, आप इधर जाके सिर्फ इतना कर देते होंगे डॉक्यूमेंट डॉट ड्राइव, यही करते होंगे और क्या करते हैं, क्या फर्क है उसमें? लूप तो वही रहनी है ना, लॉजिक तो वही है, कोई बंदा नहीं। देखें ये अभी के लिए ओरिजिनल अरे मॉडिफाई, आप कह रहे थे ना मैप फिल्टर कर लिया है, देखें ये मैप के क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, मैप की जरूरत क्यों पेश आई? जब आप अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाते हैं वो आपसे यही सवाल पूछेंगे कि फेसबुक के डेवलपर के माइंड में क्या चल रहा था जब उन्होंने मैप मेथड बनाया, उसके पीछे ये वाली लॉजिक थी, जब फिल्टर बनाया तो उस वक्त क्या वो किसी और दुनिया में पहुंचे हुए थे? हर चीज़ के पीछे जो उन्होंने बनाई है कोडिंग विदाउट लॉजिक नहीं है, जितनी भी कोडिंग है वो लॉजिक से बनी हुई है, तो जब उन्होंने मैप बनाया उसके पीछे भी लॉजिक है। ये क्या कर रहा था? ये ओरिजिनल अरे ऑल्टर कर रहा था। उसका फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा हम जो पुराने तरीके थे वो ये करते थे, हम अपडेटेड मार्क्स अपडेटेड नाम एक खाली अरे लेते थे, इसके अंदर 1 by 1 एलिमेंट पुश करते जाते थे, अपडेटेड नाम के अंदर डॉट पुश कर दो, क्या जो भी नाम आ रहा है लेकिन उसके अंदर 10 मार्क्स ऐड कर, ये पुश पड़े है ना मैथड पॉप पुश, ये जरा शॉर्ट हो जाता है इससे कोड। अब ऐसा करें दोनों को प्रिंट करवाएं, ओरिजिनल अरे नहीं बदली,
मैंने एक डुप्लीकेट रे बना ली, लेकिन इस काम के लिए आपको पता है ये इफ लॉजिक और फॉर लूप काफी महंगी पड़ती है। महंगी से मुराद ये है कि आपने बेनेंजा से एक सूट ले लिया और एक लाइन लाइट से लिया, फर्क का पता दोनों के रेट का आइडिया है। इसी तरह फॉर लूप का अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में चलते हैं ना, इसकी आइट्रेशन जो होती है ना i इज इक्वल टू जीरो, अब दूसरी दफा फिर साइकिल चलेगा, फिर उसने घूम के आना है, जीरो पे आएगा, एक इंक्रीमेंट करेगा, नीचे वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर i प्लस प्लस में जाएगा, यानी ये साइकिल घूमता रहेगा। जितनी दफा साइकिल घूमेगा, जो आई टी के स्टूडेंट है, वो आई टी का एम बी एस का स्टूडेंट या एम सी एस का, उसमें आप ना डी एस ए में एक टॉपिक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि एक प्रोग्राम को चलने के लिए कितना टाइम लगता है, इसमें टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। वो पहले तो आइट्रेशन कर रहा है, फिर वन बाय वन एलिमेंट उठा के एक नई रे में पुश कर रहा है। सो इस काम को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार ये एक लंबा काम है, इसको पकड़ के उन्होंने इसकी जगह पे सिंपल मैप मैथड बना दिया। अब मैप मैथड का सिंटैक्स देखें कितना मजे का, यहां पे जाते हैं नम डॉट मैप, ये आपसे एक फंक्शन वसूल करता है, मतलब मैं कहता हूँ ऐड का फंक्शन लेगा, और ऐड एक वैल्यू आपसे ले रहा है एक्स, उसको आप क्या करते हैं, अगर नॉर्मल लिखे फंक्शन ऐड एक वैल्यू ले रहे हैं, क्या करें, तो क्या करेंगे भाई, इसको क्या करेंगे, रिटर्न में कहता हूँ जी एक्स, फिलहाल अभी मैं सीधे सीधे कितने एलिमेंट, एक दो तीन चार पांच, मैं कहता हूँ जी ए बी सी डी ई, इन सब को मैं प्लस कर देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसको मैं किसी वेरिएबल में, अच्छा रिटर्न में और प्रिंट में फर्क का पता है ना, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ तो क्या फर्क है, सॉरी कंसोल डॉट लॉग करो, इसमें और इसमें क्या फर्क है दोनों में, कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन अभी तक भी आपका जवाब मुबहम है, एम्बिगुइटी है जवाब, यानी इसकी वो लॉजिक तक नहीं आप पहुंचे जो मैं देखना चाह रहा हूँ। चले बहरहाल इसको प्रॉपर मैं समझाऊंगा किसी दिन। अब इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ लेट रिजल्ट के अंदर, और अब जाके अगर मैं रिजल्ट प्रिंट करवाता हूँ, रिजल्ट क्या आएगा, एक्स इज, ओ नहीं नहीं क्योंकि हमने इधर पांच वेरिएबल कर दिए हैं, इसको भी पांच वेरिएबल दे रहे, इसको नम पास कर दें, अच्छा ये भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे नम पास कर सकते हैं, या फिलहाल के लिए यहाँ पे नम दे दें, मैं कहता हूँ एक दो तीन चार पाँच, अभी मैं इसको तो छेड़ ही नहीं रहा, बल्कि हमने इधर वैसे मैप तो लगा दिया है, इसको वैल्यू कैसे पास करेंगे आप, हाँ जी यार जो जो नंबर मेरे पास आ रहा है ना, मैं असल में ये चाहता हूँ, इसको कॉपी करके कमेंट कर दें, जो नंबर आ रहा है उसमें मैंने 10 ऐड कर दिया, जो मेरे पास नंबर आ रहा है एक एक्स आ रहा है उसके अंदर मैंने क्या ऐड करना है, एक्स के अंदर मैंने 10 ऐड कर दी, और इधर क्या देंगे यार, एक्स दे दें, एक्स तो है ही नहीं आपके पास, यहाँ पे नंबर दे दें 40, हाय हाय क्या कह रहा है, अच्छा इधर हमने मैप लगाया हुआ ना, ओके ओके आप इसको, फंक्शन इधर ही पास कर देते हैं यार, एक दफा इसको अलहदा बनाने की बजाय ना इधर ही पास कर लेते हैं, मैं एक फंक्शन देता हूँ, फंक्शन वो एक वेरिएबल लेगा एक्स और रिटर्न करेगा एक्स प्लस 10 या 5 जितना भी करते हैं, और रिजल्ट को आप दे दें एक नंबर 5,
क्या कर रहे हैं हम? नहीं, नाम डॉट मैप ये आपसे एक नंबर लेता है और उस नंबर के अंदर मुझे 10 ऐड करके देगा। इसको अगर मैं किसी रिजल्ट में स्टोर करता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, एरो फंक्शन पढ़े, एरो फंक्शन पढ़े किसी ने? एरो फंक्शन, ये एरो फंक्शन से ही सॉल्व होगा, बेहतर यही अप्रोच है। ठीक है, देखें ये एक्स के अंदर पता है क्या होगा, पहले 33 आएगा, 33 आया, 33 के अंदर आके उसने 10 ऐड कर दिया, फिर 47 आया उसके अंदर 10 ऐड कर दिया, और इसी तरह वन बाय वन एलिमेंट आ रहा है उसके अंदर वो ऐड करता जा रहा है। आप यहाँ पे चाहें तो तीन तरह की वैल्यूज आपको मिलती है, यहाँ पे तीन पैरामीटर मिलते हैं, इंडेक्स भी मिलता है और अरे भी मिलती है। फिलहाल अभी आप एक पे काम कर रहे हैं, अभी हम वैल्यू ले रहे हैं, जो वैल्यू आपकी आएगी उसे मैं उसके अंदर 10 ऐड कर रहा हूँ। इसको मजीद आप शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, अब देखें वही कितना कोड लेंथी था, इसको क्या करें, ये मैंने फालतू वेरिएबल लिया हुआ ये वाला, इसको उड़ा दें। अगर मैं मैप ही कंसोल के अंदर लगा दूं, आधी लाइन का होगा कोड, इधर वो देखें नीचे वाला जो कोड था। अच्छा ये क्या कर रहा है, अब ये एक डुप्लीकेट अरे भी बना रहा है, आइट्रेशन भी कर रहा है और उसके अंदर एडिशन भी कर रहा है, लेकिन आप उसका कोड देखें हमें आइट्रेशन नजर नहीं आ रही, ये वही वाले काम कर रहा है, इंक्रीमेंट भी कर रहा है, जीरो से इनिशियलाइज भी कर रहा है और डुप्लीकेट भी बना रहा है। आप बेशक इसको क्रॉस वेरीफाई कर लें, यहाँ ओरिजिनल अरे भी प्रिंट करवा के देख। ये था मेरा क्वेश्चन, देखें उसने ओरिजिनल अरे को छेड़ा भी नहीं, उसकी डुप्लीकेट भी बनाई और जो मैं कंडीशन दे रहा हूँ उसकी वैल्यू भी अपडेट की। अच्छा अगर मैंने इसके अंदर 50 वाले मार्क्स को ही सिर्फ देने हैं जो 50 से कम है तो क्या करेंगे? अब टर्नरी ऑपरेटर आपको आना चाहिए इसके लिए, आप करवाएं जरा टर्नरी वाला को बंदा हिम्मत करे जरा, सिर्फ उन मार्क्स के अंदर 10 ऐड करो जो 50 से कम हो, या एक ऐड कर दो ताकि हमें देखने में आसानी हो। हाँ जी करवाएं जरा, बैठे पीछे बैठ जाए। हाँ जी, अगर एक्स लेस देन हो 50 के तो क्वेश्चन मार्क, उसी एक्स के अंदर एक ऐड कर दो, अदरवाइज वही एक्स आ, यही होगा ना टर्नरी ऑपरेटर। कंसोल इसको करवा ले यहाँ पे कंसोल रिजल्ट, और यहाँ पे बेशक ओरिजिनल भी करा लें। जो 50 से कम है उसके अंदर देखें, 33 में एक ऐड हो गया, 47 में एक ऐड, 44 में एक ऐड और 55 और 66 वैसे ही आ रहा, ये टर्नरी ऑपरेटर। अब कल आपने पता है क्या करना है, मैप लगा के ना राउटिंग कंप्लीट करके आनी है अपनी, एक आपने नेवर बनानी है, नीचे मैप लगाओ प्रोडक्ट पे, जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करें उसी की डिटेल ओपन होगी। बाकी ये वाला काम कल आपने मैप से करके आना, उसमें राउटर भी आपके यूज हो जाएंगे और यूज पैरम्स भी यूज हो जाएंगे, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपका अब तक का कोडिंग का सिंटैक्स आप कैसा लिख रहे हैं, किस तरह फॉलो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्लास का पासवर्ड नहीं है यार, एक मिनट दे दिया, मैंने पहले आपको कहा था ना इसको नोट कर ली। यस सिक्स बेसिक, कल यस सिक्स खत्म कर देंगे और रिएक्ट स्टार्ट कर देंगे कल इंशाल्लाह, कॉन्टेक्ट एपीए में करवा के भेजूंगा उम्मीद है, क्योंकि कल हमें 10 बजे आ जाना बेसिक वेर लेफ्ट कौन से मैथ। और आप में से किसी ने कल मुझे रिमाइंड करवाना है प्रोडक्ट मॉडलिंग सिखानी है आपको, कि जब आप एक वेबसाइट का आपके पास कोई टेंडर क्लाइंट लेके आए तो मैंने ये वेबसाइट बनानी है, आप उसका डाटा कैसे बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका डाटा तैयार कर, अगर आप उसका डाटा ही नहीं बना सकते तो वेबसाइट कैसे बनाएंगे। प्रोडक्ट मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो अनफॉर्चुनेटली ये यूट्यूब पे भी चीजें नहीं मिलेंगी, ये वाहिद टॉपिक है जो यूट्यूब पे भी नहीं मिलता, प्रोडक्ट मॉडलिंग।
स्कीमा डेटाबेस के मुताबिक अपना डाटा तैयार करना, कल को डाटा भी तो स्टोर करना है ना डेटाबेस में। ये आ गया जनाब, मैं अपलोड कर रहा था, और लिख ले ग्रुप में शेयर कर दे यार, एक आधा तस्वीर कहने के ग्रुप में भेज दे। आपका लैपटॉप चाइना का है कहता लगा रहा, बाकी किसी ने ज्वाइन किया अभी? जी सर हो गई है, लेकिन आपका लैपटॉप सही नहीं है। ऐसे इंटरेस्टिंग क्यूरीज आती है सर, आप जब कोड चलाते हैं आपके कंप्यूटर पे हो जाता है, हमारे पे नहीं होता, भी हो सकता है आपका कंप्यूटर चाइना का हो, यह तरीका सही नहीं है। एक कोड सही लगाए, लग जाएगा, कोई लगा दे यार, किसका नहीं लगता। ये कोड TM6KF2T सर शेयर कर दिए ग्रुप, हाँ ग्रुप में एक दफा भेज दें जरा, क्योंकि दोबारा दोबारा इस काम पे नहीं लगे रहना हमें। कल जरा स्पीड तेज हो जाएगी, क्योंकि बेसिक चीजें जब ES6 से हम निकल जाएंगे ना, फिर रिएक्ट पे और बैकएंड पे असल काम करने का मजा आएगा, जरा लॉजिकल काम करेंगे। फिल्टर कल पढ़ के आए, फिल्टर क्या होता है, रिड्यूस फॉर ईच, और यहाँ पे जो जो चीजें लिखी हैं हमने, डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड और रेस्ट का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एसिंक का वेड में आपको रिएक्ट में करवा दूँ। हाँ जी, कोई डाउट है आज के टॉपिक में? आज रहा हुए भी लेट हैं, वो उनकी अपनी प्लानिंग में फंसे रहे हैं। बहरहाल अब चूँकि कल से क्लास अगर 10 बजे है तो इंशाल्लाह 10:15 बजे स्टार्ट हो जाया करेगी, और फिर हमें तकरीबन 1.5-2 घंटे स्टडी ही करनी है। उस दौरान आपको छोटे मोटे 10-15 मिनट के दरमियान में टास्क भी होंगे क्लास में, तो लैपटॉप पर रजिस्टर लेके आना है काइंडली। ऑनलाइन आपके भी लिए सेम इंस्ट्रक्शन है, और जो फिजिकल है आपके लिए भी, लैपटॉप ना हो एटलीस्ट पर रजिस्टर जरूर हो, कोडिंग रजिस्टर पे ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ओके जी, अपना ख्याल रखिए जी, टेक केयर।